हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज चलते हैं गार्डन ओवरव्यू पार्ट टू में। लेते हैं मेरे कुछ बोगनवेलिया कलेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन और मेरी प्लूमेरिया यानी चंपा के जो पौधे हैं वो भी देखते हैं। उसके साथ कुछ रोजेस, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, ये आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं एक ओवरव्यू। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आज। ये देखिए, ये मेरा टोमेटो का पौधा है। ये मंकीज़ ने पूरा डिस्टर्ब कर लिया था, निकाल के फेंका था यहाँ से, ये देखिए। और फिर मैंने वैसे ही रहना दिया तो टोमेटो आ रहे हैं, उसको नए शूट्स भी आ रहे हैं, नए फ्लावरिंग हो रही है। तो ये टोमेटो थोड़े ही दिनों में हार्वेस्टिंग पे आ जाएंगे। ये मेरा रेन लिली का पौधा है, यहाँ आप देख रहे हैं, छोटा छोटा वाला फ्लावर है। और एक वैरायटी, उसे बड़े फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छे ब्लूम्स हो रहे हैं रेन लिली पे अभी। ये मेरा है तुलसी का पौधा। यहाँ मैंने तुरई यानी रिज गॉर्ड लगाया था, इसका लाइफ ख़त्म हो गया है। और ये मैंने सीड्स बनाने के लिए ये रखे हैं, फ्रूट्स, उसके दो फ्रूट्स सीड्स के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं, ये एग्जोरा है पिंक कलर का, इसे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी अच्छी तरह से आ रही है। ये देखिए, यहाँ भी है। ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी का नेरियम का पौधा है, कनेर का, नेरियम ओलियंडर का पौधा है, वाइट और पिंक शेड में दो मेरे पास इसके पौधे हैं। इस पर मेरा वीडियो भी है, वो आप ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, बहुत बडिंग हो रही है, बहुत फ्लावरिंग हो रही है इस पर। ये पौधा कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहा है समर सीजन से। आपको दिखाती हूँ दूर से। तो इस तरह से ये मेरा रैक है, यहाँ ये ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अपर रैक में ये पौधे लगे हुए हैं। इसमें कुछ चेंजेस मुझे अभी करने हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। ये पिंक शेड का है, ड्वार्फ वैरायटी का नेरियम। ये देखिए, ये भी फूलों और कलियों से भरा हुआ है। ये टोमेटो का और एक पौधा, इसे भी मंकी ने, सभी टोमेटो कभी रहने नहीं देते हैं, तोड़ देते हैं। ये देखिए, ये ब्रांचेस सब नीचे गिरी हुई हैं मंकीज की वजह से। ये आप देख रहे हैं, ये आलामंडा का मेरा पौधा है, यहाँ देखिए, इसे मैंने सपोर्ट दिया है और ये ऊपर की तरह इस तरह ग्रो हो रहा है। येलो आलामंडा है, बहुत फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है समर सीज़न से। बहुत ढेरों कलियाँ भी है, वो दूर से दिखाते हैं। बहुत फैला हुआ है ये पौधा और ऐसे फ्लावर हमेशा रहते हैं, वो आते ही बहुत अच्छा दिखता है, गार्डन में आते ही सुंदर दिखते हैं ये फ्लावर्स। बाद में ये मेरा सकुलेंट का रैक है, इसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज यहाँ से देखते हैं। ये भी एक सकुलेंट वैरायटी का है, पानफुटी जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है उसकी। ये मेरा मंडेविला वाइट कलर का है, ये भी अभी रिपोर्टिंग उसे करनी है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। इधर मेरा ये सेंटिमेंटल रोज़ का पौधा है, इसे भी अभी बडिंग हो रही है, देख रहे हैं आप, अच्छी शूट है, अच्छी ग्रोथ है, नए नए शूट्स आ रहे हैं। ये मैंने गार्डन परचेस के वीडियो में ये दिखाए थे, ये मेरे दो नए पौधे हैं। ये फ्लोरीबंदा वैरायटी का रोज़ है पिंक शेड में, इसे भी शूट्स आ रहे हैं, फ्लावरिंग भी जल्द स्टार्ट होगी उस पर। ये मेरा मोर पंखी का पौधा, यहाँ ये बिटल लीफ जिसे हम पान कहते हैं, बड़े साइज़ के पान इसमें आते हैं, खाने का पान जो होता है वो, मेडिसिनल प्लांट है ये एक। तो ये इसकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है अभी, बहुत दिनों से इसी पॉट में है। तो इस तरह से ये सेक्शन मैंने आपको दिखाया अभी। अब चलते हैं मेरे बोगनवेलिया कलेक्शन की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बोगनवेलिया है, पिंक शेड का ये बोगनवेलिया का पौधा है और देखिए कैसे फूलों से ये भरा हुआ है।
बहुत दिनों से ये फ्लावरिंग कर रहा है, और एक बार फ्लावर आते हैं कम से कम 15-20 दिन तक वैसे ही रहते हैं। तो गार्डन में आते ही ये ऐसे इस तरह से मुझे ये बोगनवेलिया दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। फिर ये देखिए, ये दूसरा कलर है बोगनवेलिया का वाइट कलर में, ये वैरायटी और वो पिंक वाली वैरायटी अलग अलग है। ये देखिए, इसे भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ भी अच्छी, शूट्स नए नए आ रहे हैं इस पर भी। फिर ये आप देख रहे हैं थर्ड बोगनवेलिया वेरीगेटेड है, ये इसे दो कलर्स में फ्लावर, एक ही प्लांट पे दो कलर्स में फ्लावर्स आते हैं। मैजेंडा शेड में आते हैं, रानी पिंक शेड में, और दूसरे आते हैं वाइट कलर में। एक ही प्लांट पे दो शेड्स के फ्लावर्स निकलते हैं, लेकिन अभी ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ये ग्रो हो रहा है बहुत अच्छी तरह। ये वाइन वैरायटी का है, इसे मैंने सपोर्ट दिया है और ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए मैंगो शेड का चौथा बोगनवेलिया है, छोटे फ्लावर्स अभी है इस पर आए हुए, ये शेड है इसका, ये भी वाइन वैरायटी का है। देखिए कैसे ग्रो हो रहा है, बहुत शूट्स हैं आ रहे हैं। तो ये सभी मैंने 16 इंच पॉट में लगाए हुए हैं, बड़े बड़े 16 इंच पॉट्स में, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है उस पर। ये बीच में आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, हमारे यहाँ इसे गौती चहा कहते हैं। ये मैंने गार्डन परचेस के वीडियो में मैंने दिखाया था, नए परचेस के वीडियो में, इसे भी नई नई शूट्स अभी आ रही है। ये चाय में डालते हैं इसकी पत्तियाँ, गौती चहा हमारे यहाँ इसे कहते हैं। अब चलते हैं मेरे चंपा के कलेक्शन जानते हैं। तो ये देखिए, तीन वैरायटी का चंपा अभी मेरे पास है। ये देखिए, ये है पिंक और रेड शेड वाला, ये चंपा है, ये ऊपर वाली रैक में मैंने लगाया है इस तरह से। ऊपर वाले रैक में चंपा के पौधे हैं, नीचे वाले रैक में बोगनवेलिया है। दूसरा चंपा इधर आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर और पिंक, वाइट और येलो शेड में फ्रैग्रेंट फ्लावर्स इसे आते हैं इस चंपा को। यहाँ फिर से आप जो बड़ा पौधा देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये मेरा नाग चंपा का पौधा है, ये मेन प्लांट है, इसे मैंने कटिंग लगाए थे। ये देखिए बहुत हाइट है, 12 फीट से ज़्यादा है, तो ये मेरे ग्रीन नेट के नीचे नहीं आता है, मैंने इसके बाहर उसे रखा हुआ है। और उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं दूसरा पौधा, ये मेरा पाम का पौधा है, फॉक्सटेल पाम का, इसकी भी हाइट 12 फीट से ज़्यादा है। ये देखिए, ये पॉट है मेरा नाग चंपा के लिए, जो कि इस तरह से बड़ा हुआ है। ये फॉक्सटेल पाम है। तो इस तरह से कुछ पौधे मेरे गार्डन के मैंने आज दिखाए हैं। ये था मेरा गार्डन ओवरव्यू पार्ट 2। फिर मिलेंगे गार्डन ओवरव्यू पार्ट 3 में। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।